रहे हैं राइट विद देबो और आज का जो टॉपिक है कुछ इंटरेस्टिंग जरूर है। तो आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग क्यों है ये भी मैं बताने वाला हूँ, और क्यों हम लोगों को कंपटीशन मार्केट में हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ख़ास तौर पे ये है बात, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को आप नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कीजिएगा। और आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है कुछ, आइए देखते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल ये देखिए, आप लोगों को आई थिंक दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, नीचे नीचे, हाँ अब सही है। तो गाइस ये कंटेन है, कंटेन पे मैंने पहले के टारगेट कस्टमर किस तरीके का हमें कस्टमर्स को हमें लेना चाहिए, ये रिटेल के लिए है। किस तरीके के कस्टमर्स, अगर कोई भी हैंडसेट, कोई भी सामान, कोई भी गुड्स अगर हम लेने जाते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हमें यह अंदाज़ा नहीं होता कि कस्टमर को किस तरीके का नीड्स चाहिए। तो पहले पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले भी मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था, तो मैंने भी जिस तरह से काम मतलब करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों से जाना, ट्रेनिंग लिया वगैरह, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो टारगेट हमें, अगर हम बिजनेसमैन हैं, अगर हम रिटेलर हैं, अगर हम शॉपकीपर हैं, तो हमें हमेशा ध्यान पे ये चीज़ रखना होता है कि कस्टमर को किस तरीके का कस्टमर्स रहता है, किस तरीके का कस्टमर्स को हमें नीड्स उसके ऊपर हमें देना पड़ता है। तो चलिए, पहले हो सकता है मेल या फीमेल, ठीक है, उसके बाद हो सकता है एडल्ट, ठीक है, वो भी मेल या फीमेल में होता है, मैच्योर पर्सन होता है, ठीक है, उसके बाद आपका होता है थोड़ा बुजुर्ग, ओल्ड पर्सन, ओल्ड स्टेज के आदमी, उसको हम लोग उस तरीके का हम लोग ट्रीट हम लोग लेते देते हैं। पहले कस्टमर का नीड्स जानिए, कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बाद में आप अगर बोलेंगे उसी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए ये मैंने टारगेट कस्टमर्स के लिए मैंने बनाया है। सेकेंड पे आते हैं, देखिए की सेलिंग पॉइंट उस कस्टमर्स को सेल करने के लिए किस तरीके का आप में काबिलियत होना जरूरी है, की होना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए अभी कस्टमर्स अभी ओल्ड एज का है, आप हमें पूछ रहे हैं क्या आप सर F9 लेंगे, V9 लेंगे, तो ये तो जाहिर सा बात हुआ ना, वो कस्टमर आपको रिफ्यूज़ कर देगा। आप उसको इस तरह से आप बोलिए कि अगर कस्टमर अगर बुजुर्ग आदमी आया हुआ है, थोड़ा अगर एजेड आदमी है, तो उसको सर आपको किस तरीके का आपको मोबाइल चाहिए, किस तरीके का आपको चाहिए, आपको पहले आपको बैटरी एमएच ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़्यादा चाहिए, डिस्प्ले बड़ा चाहिए, या फोटोग्राफी के लिए चाहिए, वो खुद ही बोल देगा आपको, नहीं मुझे बैटरी चाहिए। जाहिर तौर पे ज़्यादातर पे अभी देखिए बुजुर्ग लोग अभी क्या करते हैं, बैटरी ज़्यादा मांगते हैं। बैटरी होने से क्या होता है, वो सोचते हैं कि एक दिन अगर चार्ज देंगे तो दो दिन तक ये टिकेगा। तो इस तरह से आप उसका नीड्स जानिए, उसके हिसाब से आप अपना की सेलिंग पॉइंट्स आप दीजिए, तभी जाके आपका सेलिंग आपका इंक्रीज करेगा। अदरवाइज आप अगर किसी भी आदमी को अगर आप पूछते हैं, बुजुर्ग आदमी को, आप फोटोग्राफी का आप ले लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं तो फोटो खींच सकते हैं, ठीक है, उसको भी बताने का एक तरीका होता है। पहले फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, जब मैं गया था तो उस समय क्या हुआ, मैंने एक बुजुर्ग आदमी, वो प्रोफेसर था, तो वो दुकान पे आया। दुकान पे आने के बाद क्या कर रहा था कि मतलब पहली तरह से वो कोरबी, जो सैमसंग का जो कोरबी है, सैमसंग का जो कोरबी फ़ोन है वो लेके वो आया, तो चार्जर उसका ख़राब था, ठीक है। मैं जिस दुकान पे था उसमें मैं सेलिंग करता नहीं था, मैं ट्रेनर था उसमें, हाँ सेल्स ट्रेनर था। तो उसके बाद वो जब आए मेरे सामने आए तो मुझे पूछा क्या आपके पास ये मोबाइल का चार्जर होगा क्या, तो मैंने कहा जी ज़रूर होगा चार्जर। तो मैंने आपका कौन सा हैंडसेट है मैंने मांगा, तो वो हैंडसेट निकाल के दिया। हैंडसेट निकाल के देने के बाद मैंने उससे देखा, तो मैंने उसे फर्स्ट इम्प्रेशन किस तरह से मैंने बनाया, मैंने उसे कहा वाओ सर आपका फ़ोन बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, ये जो है ये ही फ़ोन मेरी मम्मी यूज़ कर रही है, कोरबी, सैमसंग कोरबी है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा फ़ोन है, मैं भी अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, 6 साल हो चुका है कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर सा बात है वो कस्टमर के बीच
मैंने जो इंटरेक्शन किया है, जो स्पीच मैंने दिया है, जो स्पीच मैंने बोला है, जो बात किया है, वो मेरे साथ पूरा मिंगल हो गया, तो वो किसी से बात नहीं कर रहा था। तो मैंने चार्जर उसे निकाल के दिया, ठीक है, वो चार्जर मतलब ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड वो लिया। नॉन ब्रांडेड लेने के बाद 140 रुपये करीबन वो था, ठीक है, मैंने उसे दे दिया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद तो वो ऐसे दुकान पे ऊपर की ओर मतलब इस तरह से देख रहा था। इस तरह से देखने के बाद मैंने उसे पूछा, सर आपको फ़ोन आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको? नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, वो कह रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग है, मुझे भी पता है वो बुजुर्ग है, वो नहीं लेना चाहते। तो मैंने कहा, सर आपको नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ देखिए किस तरीके का आज का जो साइंटिफिक, आज का जो न्यू स्टाइल वेराइटी अपग्रेडेशन हुआ है फ़ोन में, आप वो देखिए आप। तो मैंने उसे ना तो वीवो का V9 दिखाया, ना V7 दिखाया, V7 प्लस दिखाया, V83, Y71 कुछ भी नहीं दिखाया, Y53 दिखवाया मैंने उसे, केवल 8000 का फ़ोन। उसे मैंने निकाल के दिखाया कि सर देखिए ये आपका 2GB का रैम है, आपका 16GB का आपका इंटरनल स्टोरेज है, 430 स्नैपड्रैगन आपका प्रोसेसर है आपका, ठीक है, 1.4 आपका या भी जिगाहर्ट्ज़ के स्पीड से आपका चलेगा, इसमें आप ये हमें गाने वगैरह वीडियो वगैरह आपके दे सकते हैं, उसके बाद आपका 1 सेगमेंटेड बॉडी है। मैंने इसे सारे चीज़ बता दिया और इसमें मैंने ये कहा है कि आप अगर अल्ट्रा HD में अगर आप फोटो लेते हैं तो आपका सारा चीज़ आपका क्लियरिटी आपका रहता है। तो मैंने एक सिचुएशन पैदा किया, सिचुएशन देखिए क्या होता है। मान लीजिए सर आप कहीं जर्नी में जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप जाने के समय कोई माता रानी का मंदिर आपको दिखाई दिया, आपको अच्छा लगा, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ आप शॉर्टकट जो है ना, शॉर्टकट इस तरह से जो खोलते हैं स्वेप, तो स्मार्ट मोशन उसे बोला जाता है, स्मार्ट मोशन मैंने ऑन करके दिखाया तो वो क्लिक करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कस्टमर्स को दिखाना ज़रूरी है। जब तक कस्टमर्स का नीड्स नहीं जानोगे, कस्टमर्स को किस तरह से सेल करना अगर वो नहीं जानोगे, तो आप किस तरह से आप सेल्स करोगे। तो इसके लिए गाइस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप सेल्स का प्रोसीड्यूर आप खुद को आप ट्राई कीजिए, दिन ब दिन आप करेंगे तो ज़रूर अच्छा रहेगा। चलिए फिर चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस सिंपल एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट टू कस्टमर्स, आप कस्टमर्स को एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन ये होता है कि कैमरा आपने खोल के दिखाया, ठीक है, कैमरा को आपने जूम करके दिखाया, ठीक है, ये सारा चीज़। उसके बाद में कैमरा को आपके हाथ में नहीं, कस्टमर के हाथ में जब तक आप नहीं दोगे तब तक उसे एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप कस्टमर्स को अपने हाथ में से उसके हाथ में आप सौंपिए कि वो एक वेट पता कर सके, उसके क्लेजिंग, उसके हैंडलिंग, उसका स्मूथनेस, हाउ कैन वर्क कैमरा, हाउ कैन डिजर्व कैमरा, हाउ कैन वर्किंग ऑल ऑफ एवरीथिंग कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग, ही वो हमेशा चेक करना चाहेगा किस तरीके का ये जो है फ़ोन है या कुछ भी व्हाटएवर कोई भी चीज़ हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपका कंपटीशन ब्रांड। खास तौर पे हमें एग्जांपल पता है कंपटीशन, कंपटीशन मींस डे बाय डे यहाँ कंपटीशन, ये ब्रांड ये फलाना ब्रांड वो ब्रांड वो ब्रांड। अभी देखिए रियलमी टू आ चुका है, वीवो V7, तो V9, F9, कंपैरिजन का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है हर एक जगह। आज मैं ये आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, मेरा कंपटीशन लेके कोई आ रहा है मुझसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता है। मैं किसी को मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं गलती चीज़ बताना नहीं चाहता, मुझे जो नॉलेज है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोग किस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को स्किल टेक्निक्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर जो भी नए बंदे हैं स्किल सेक्टर में, सेल्स कैटेगरी में, रिटेल में, तो उसके लिए मैं ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो कंपटीशन किसी से भी हो सकता है, आप ये नहीं है कि आपका अगर सामान देख के कस्टमर
अगर वो दूसरे की दुकान पे सामने वाली दुकान पे चले जाते हो तो आप उसे उल्टा सीधा बोलोगे, वो नहीं। कस्टमर को सिंपली आप जब सामान दिखाए अच्छी तरह से बोलिए, सर आप ले सकते हो, बढ़िया सामान है, आपको पहले आपको नहीं मिलेगा, अगर आप जानना चाहते हैं खुद आप देख सकते हो, परख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आपको कहना है। क्योंकि कस्टमर आपका दुकान छोड़ के तो चला गया, उस दुकान से ले भी दिया, अगर उसका उस दुकानदार का अगर बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो वो ही लेगा, अगर बिहेवियर ख़राब रहा तो वो आपकी दुकान पे वापस आएगा। दिस इज़ कॉल सेल्स टेक्निक गाइस। तो काइंडली अगर आपको अच्छा लगा ये सेल्स टेक्निक किस तरह से है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आने वाले वीडियो आप लोगों को और भी सेल्स टेक्निक के लिए आप लोगों को बताएंगे, आशा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।